हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड से। जैसा कि आपका बीपीएससी टीजीटी 2023 एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला है, तो दोस्तों आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और मैं डेली बेसिस पे दो दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सभी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए एंड 50 से 60 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो सभी वीडियो भी देखिए। एंड ये केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, इसके जस्ट बाद बीपीएससी टीजीटी के बाद जस्ट बाद आपका ईएमआरएस का एग्जाम होगा एंड उसके बाद यूपीएलटी ग्रेड का भी आने वाला है। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। एंड थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी टॉपिक की थ्योरी सेशन डिटेल में बनाया गया है। एंड दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गतिशील शक्ति के भाग नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डायनेमिक फोर्स। तो दोस्तों, डायनेमिक फोर्स का इसमें कौन पार्ट नहीं है, आप सही उत्तर टिक कर दिए होंगे। जैसे कि हमारे डायनेमिक फोर्स का जो है स्ट्रेंथ का भाग है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, हाँ आइसोटोनिक को डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आइसो डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम पावर, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहनशीलता यानी मैक्सिमम पावर, एक्सप्लोसिव पावर एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आता है। जबकि आपका आइसोमेट्रिक स्टैटिक शक्ति है, कैसी है, स्टैटिक शक्ति है, डायनेमिक नहीं है। गतिशील में आपका आइसोटोनिक आ जाता है, जिसके अंतर्गत अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहनशीलता आती है। जबकि इसमें कौन नहीं आएगा गतिशील शक्ति के अंतर्गत, आइसोमेट्रिक नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है, जिसमें प्रमुखता क्या शामिल होता है? तो दोस्तों, सहनशीलता वाले खेलों में, एंड्योरेंस वाले खेलों में ग्लाइकोजन योजक जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि ग्लाइकोजन लोडिंग, या इसे हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी कहते हैं, आमतौर पर कार्बो लोडिंग के रूप में भी संदर्भित होता है। यह धीमी गति से खिलाड़ियों के दौड़ने पर एंड्योरेंस की क्षमता यानी सहनशीलता की क्षमता को विकसित करता है। ग्लाइकोजन मांसपेशियों और लीवर में भंडारित होता है और यह ऊर्जा के रूप में थकावट की स्थिति में प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मांसपेशियों और लीवर में एकत्रित होता है ग्लाइकोजन। जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो यह एंड्योरेंस वाले, एंड्योरेंस के लिए, सहनशीलता के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? इन विच द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्फेसिस इज लीड ऑन प्रेस्क्राइब्ड स्टेप टू रीस्टोर फंक्शंस एंड प्रीवियस स्टेट। तो दोस्तों, यहाँ पे पूर्व स्थिति बहाल निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है, मतलब कि पूर्ण रिकवरी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड आपका राइट होगा। क्या होगा? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड आपका राइट होगा। इसमें आपको पूर्ण रिकवरी नहीं दिया जाता है एंड इसको टेरिस प्रशिक्षण या पुनः शक्ति प्राप्ति या प्रशिक्षण भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है। मास्टर डिग्री इज अवार्डेड इन स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो मास्टर डिग्री की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ स्पोर्ट अधिशिक्षा यानी कि स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट कोचिंग यानी कि खिलाड़ी तैयार किया जाता है। किसमें? स्नातकोत्तर डिग्री दिया जाता है उसमें, एनएसएनआईएस पटियाला में। जबकि पूछेगा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर तैयारियन सीपी ग्वालियर हो जाएगा। जबकि कोचिंग की बात करेगा, प्रशिक्षण की बात करेगा, तो एनएसएनआईएस पटियाला आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीन्ट बाई सुपर कंपनसेशन? होता क्या है? जब आप कोई व्यायाम या क्रिया करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ समय के लिए लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, एकदम आपके अंदर एनर्जी या पावर सब खत्म हो गया है, जिसे सेकेंड विंड कहते हैं। और फिर आप कुछ समय के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद
आप पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसी को सुपर कंपनसेशन कहते हैं। तो यानी कि पहले के जो स्थिति होती है उसमें अनुकूलन पैदा कर लेते हैं। यहाँ पे अभिप्राय होगा भार अनुकूलन। क्या होगा? भार अनुकूलन, यानी कि जब खिलाड़ी शारीरिक मेहनत करता है तो ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र कार्य करते हैं, जिसके दौरान ऊर्जा की प्राप्ति भी शरीर को होती रहती है। थकान की स्थिति में मानव शरीर अंग एवं तंत्र द्वारा सारी क्रियाएं बंद कर दी जाती हैं और आराम के दौरान ऊर्जा की क्षतिपूर्ति प्रारंभ हो जाती है, जिससे खिलाड़ी के शरीर में पुनः कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाती है। खिलाड़ी के इस स्थिति को सुपर कंपनसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भार दर होती है। व्हाट इज लोड रेट? तो भार दर जो होती है दोस्तों, वह भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। क्या होती है? भार दर जो होती है, यहाँ पे दर का मतलब है इंटेंसिटी, ठीक है। जो इंटेंसिटी होती है वो लोड या वैल्यू में, यानी कि समय के विपरीत होती है। इंटेंसिटी मतलब होता है कितना स्पीड से किया गया, और वैल्यू मतलब होता है भार घनत्व, तो मतलब होगा कि कितना समय तक कार्य किया गया। तो भार दर होती है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? एक्सप्लोसिव पावर इज मेजर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? तो दोस्तों यहाँ पे शटल रन से तो एजिलिटी मापा जाता है, सीटअप से आपका एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मापा जाता है, पेट की मांसपेशियों को, भुजा लटकाने से आप अपने बांह यानी कि भुजा की सहनशीलता और स्ट्रेंथ को माप रहे हैं, एंड कूद यानी जंप शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप जान सकते हैं वर्टिकल जंप, सीधी खड़ी सीधी कूद जो होता है वो विस्फोटक शक्ति, पैरों की विस्फोटक शक्ति को विकसित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि है? तो दोस्तों व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न गेमिंग स्किल? तो किसी भी चीज को सीखने की उत्तम विधि होती है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। यानी मोटर कुशलता हो चाहे कुछ भी हो, शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्यतः अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं वे इन कुशलता को प्राप्त व विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बैलिस्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण बढ़ाने का है? व्हाट इज द बेस्ट बैलिस्टिक ट्रेनिंग मेथड ऑफ टू इनहेंस ट्रेनिंग? तो दोस्तों बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक, पीएनएफ मेथड, ये सभी होते हैं आपके लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? तो जॉगिंग है, साइकिलिंग है, कैलिस्थेनिक्स है, जबकि परिधि प्रशिक्षण नहीं है, यह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर गर्माना करता है, द बॉडी हीट अप, शरीर गर्माना यानी कि वार्म अप क्या करता है? मांसपेशी के तापमान को बढ़ाता है और शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो दोस्तों ये कैलिस्थेनिक, तालबद्ध क्रियाएं, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सभी एरोबिक क्रिया है लेकिन मनोरंजन के काम आती है। विच एरोबिक एक्टिविटी इज मेनली यूज फॉर एंटरटेनमेंट? तो वो होता है आपका तालबद्ध व्यायाम यानी कि रिदमिक एक्सरसाइज जो होती है वह मनोरंजन के काम आती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका, यहाँ पे सह नहीं होगा, यहाँ पे होगा सतह, ठीक है। यहाँ पे निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे पॉलीग्राम, एस्ट्रोटर्फ, टेराफ्लेक्स है, बट साइवेक्स जो है कोई खेलने की सतह नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो वह संकुचन विधि कहलाती है? तो कोई गति नहीं हो रही है, नो मूवमेंट शब्द आते ही आप किसको लगा देंगे? आइसोमेट्रिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत को क्या कहते हैं? व्हाट इज एनर्जी कंसम्पशन ड्यूरिंग फिजिकल वर्क कॉल्ड? तो फिजिकल वर्क के समय जो ऊर्जा खपत होती है उसे हम ऊर्जा लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया है?
तो विच आर द फॉलोइंग एन एरोबिक एक्टिविटी, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भार उठाना, थ्रोइंग, कूदना, ठीक है। यहाँ पे तीनों के तीनों आपके स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, एरोबिक क्रिया है, जबकि क्रॉस कंट्री जो है क्या है, एरोबिक क्रिया है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, प्राकृतिक तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना होती है, प्राकृतिक तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना होती है, तो दोस्तों वह होता है प्रतियोगिता केंद्रित। जो खेल प्रशिक्षण पर लंबे समय की योजना होती है वो किस को केंद्रित करके बनाया जाता है, प्रतियोगिता केंद्रित, कि हम प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है, तो दोस्तों आपको पता है कि प्रशिक्षण का व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। यह दो तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। इन पहले का सीखा हुआ कार्य नए कार्य में सहयोग करे सीखने में तो सकारात्मक स्थानांतरण, अगर बाधा डाले सीखने में तो नकारात्मक स्थानांतरण, यदि न बाधा डाले न सहयोग करे तो शून्य स्थानांतरण होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम डिवीजन साइकिल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, तो दोस्तों बेस्ट प्लेयर खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र की विशेषता क्या होती है, तो एक तो काल विभाजन जो होता है वो प्रतियोगिता केंद्रित होता है, ठीक है, वह बहुत बहुखंडीय काल में, जैसे कि ट्रेनिंग साइकिल को तीन भागों में बांटा गया है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र, यानी एक खंड खंड करके बनाया जाता है, तो बहुखंडीय काल विभाजन चक्र आपका राइट होता, मल्टी सेगमेंट टाइम डिवीजन साइकिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को कहते हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एंड पीसी इज कॉल्ड, तो दोस्तों एटीपी और पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को अनैरोबिक क्रिया कहते हैं। अनैरोबिक क्रिया में लैक्टिक एसिड जमता है, याद रखिएगा, एरोबिक में लैक्टिक एसिड नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड आपका राइट हो जाएगा। एटीपी प्लस पीसी प्रणाली की क्षमता बढ़ जाने से अधिक ऊर्जा निकलती है। एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड पीसी का मतलब होता है फॉस्फोक्रिएटिन। एटीपी पीसी प्रणाली एक एनारोबिक ऊर्जा प्रणाली है जिसमें पीसी के विखंडित हो जाने पर एटीपी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पादन को लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो पीसी जो होता है फॉस्फोक्रिएटिन के विखंडित होने पर एटीपी का उत्पादन होता है और बहुत तेज एनारोबिक क्रिया करते हैं, तो जो पीसी का विखंडन होने में थोड़ा देर लगता है, तब तक हमारे पेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाती है। कुछ देर आप रेस्ट लेते हैं, पुनः पीसी विखंडित होकर एटीपी निर्माण कर देती है, उसके बाद पुनः ऊर्जा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से किसमें गति की चाल पर निर्भर नियंत्रण होता है, इनमें से किसमें गति की चाल पर नियंत्रण होता है, तो दोस्तों विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ मोमेंट, तो गति की चाल एक समान गति किसमें होता है, आइसोकाइनेटिक में, समझ गए होंगे आप, आइसोकाइनेटिक में गति की चाल एक समान होता है, नियंत्रण होता है, मशीनों द्वारा किया जाता है। 1968 में जेम्स पेराइन ने इसको खोजा था, इस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया आइसोकाइनेटिक व्यायाम में मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा गति पूरी सीमा तक शक्ति लगाई जाती है, और यह पानी वाले खेलों में जैसे कि तैराकी एंड आपका जो भी पानी वाले रोइंग हो गया, इस समय खेला जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, खेलों में टॉप फॉर्म किस पर आधारित होता है, तो व्हाट इज टॉप फॉर्म इन स्पोर्ट बेस्ड ऑन, तो किस पर आधारित होता है, ट्रेनिंग पर। जैसा आपका ट्रेनिंग होगा, पहले जैसे आप ट्रेनिंग किए होंगे, जितना आपने स्किल को इन्हेंस किए होंगे, उसी प्रकार का आप प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस करेंगे। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार किस क्रम से आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर विक्ट्री इन स्पोर्ट्स कैन बी अचीव्ड, तो किस क्रम में आप कौशल सीखेंगे तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्किल सीखेंगे,
और उसके बाद टेक्निक्स सीखेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी रणनीति लगाने सीखेंगे, फिर टैक्टिक्स यानी खेल के समय कैसे हम युक्ति का प्रयोग करें वो सीखेंगे, तो हम खेल में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्मिंग अप की विधि है, व्हाट इज द मेथड ऑफ वार्मिंग अप। तो दोस्तों वार्मिंग अप दो प्रकार का होता है, एक्टिव एंड पैसिव वार्मिंग अप। ठीक है, गर्माना यानी वार्मिंग अप क्या करता है, शरीर को तापमान को बढ़ाता है और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मांसपेशियों को अंदर लचीलापन लाता है। किसी भी प्रकार की स्पर्धा या प्रशिक्षण से पहले शारीरिक मानसिक और शरीर को क्रियात्मक रूप से तैयार किया जाता है, जिससे थंडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी के नियम तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। मानसिक अतः इससे खेल प्रदर्शन क्या होता है, बेहतर होता है, चोट नहीं लगती है, लचीलापन बढ़ता है। तो और वार्मिंग अप की दो विधियां होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है, शारीरिक तौर पर भागीदारी करना, ठीक है, अपने आप किसी की सहायता लिए बिना, इसका कौशल अथवा क्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया शामिल है जिसका प्रयोग प्रतियोगिता में होता है, जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट यानी कि स्ट्रेचिंग करना एक्टिव में। अब पेशी में क्या होता है, परोक्ष रूप से गर्माने में शारीरिक व्यायाम नहीं होता है, इसमें ऐसी क्रिया आती है जो बाह्य प्रेरकों को समाहित करती है, जैसे कि मालिश करना एंड भाप स्नान, डायथर्मी, वर्लपूल स्नान आदि, ये आपका परोक्ष यानी पेशियों वार्मिंग अप होगा, ठीक है, गर्माना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहते हैं, ठीक है, यानी कि हु हैज गिविंग द डिफिनेशन दैट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड टीचिंग। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, इस बात को कहे हैं गेट्स ने। किसने कहा है, गेट्स ने। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है। तो शक्ति तीन प्रकार की है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, ताकत सहनशीलता यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो यहाँ पे विस्फोटक शक्ति, सहनशीलता, अधिकतम शक्ति तीनों होगा, बट आपका विशिष्ट शक्ति कोई शक्ति का प्रकार नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड प्ले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बाई वॉट अदर नेम्स इज स्पीड प्ले कॉल्ड। तो आप सबको पता है इसको फॉर्टलेक प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है, यह स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले यानी गति खेल, और इसका आविष्कार 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। यह बिना कोई पूर्व योजना से या नॉट प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहनशीलता को विकसित करने की विधि है। तो विच आर द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ डेवलपिंग इंडोरेंस। तो इंडोरेंस को डेवलप करने की विधियां हैं, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड, तो फार्टलेक मेथड। तो ये यहाँ पे कौन सी है, सहनशीलता विकसित करने की अंतराल प्रशिक्षण पद्धति यानी कि इंटरवल मेथड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, दीवार को धकेलना उदाहरण है, आप सही आंसर क्वेश्चन देखते ही टिक कर दिए होंगे, पुशिंग द वॉल एंड एग्जाम्पल। तो यह है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का, ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का, जिसमें तनाव तो बना रहता है बट मांसपेशियों की लंबाई एक सी रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, नो मोमेंट, कोई गति नहीं होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, लचीलापन विकसित करने की विधि कौन सी है। तो लचीलापन विकसित करने की विधि जो है, लचीलापन यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। एक्टिव बिना किसी बाहरी सहायता से, जैसे कि स्ट्रेचिंग करना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड पेशी में क्या होता है कि किसी बाहरी सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पेस दौड़ का संबंध है, पेस दौड़ का संबंध है। तो पेस दौड़ का संबंध किससे है, पेस रेस इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों पेस दौड़ का संबंध स्पीड यानी गति से है, स्पीड यानी गति से है, यानी गति को विकसित करने की विधि है एक्सीलरेशन रेस एंड पेस रेस। पेस रेस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी खिलाड़ी जो है अपनी अधिकतम गति 300 मीटर तक रख सकता है, अगर उससे अधिक की दौड़े हैं तो एक निश्चित गति के समान दौड़ना पड़ता है, नहीं तो
बहुत स्पीड से पहले दौड़ लेंगे तो थक जाएंगे, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। तो पेस रेस में क्या होता है कि पेस गति की दौड़े शुरुआत से अंत तक एक ही गति से दौड़ी जाती है। जैसे इसका उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है 400, 800, 1500 मीटर दौड़। खिलाड़ी अपनी ऊर्जा को बचाए रखता है तो 400, 800, 1500 मीटर दौड़ पेस रेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक्सीलरेशन रेस जो होता है, इस प्रकार की दौड़ में स्पीड को विकसित करने के लिए खिलाड़ी कुछ दूरी पहले तेजी से दौड़ता है, फिर वह अपनी स्पीड स्लो करके दौड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक पद्धति का संबंध है। तो बैलिस्टिक मेथड इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड, ये सभी लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधियां हैं। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार है, इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है मैथ्यू ने। ठीक है, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार है, इस बात को कहे हैं मैथ्यू ने। नेक्स्ट दोस्तों, 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि प्रशिक्षण साइकिल जो है 3 प्रकार की है, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो होता है 3 से 12 महीने का होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है। दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवसन चक्र भी कहते हैं, जो 3 से 6 सप्ताह का होता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र होता है, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं। तो 5 से 10 दिन दिया है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? माइक्रो चक्र यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया था? तो हु इन्वेंटेड वेट ट्रेनिंग? तो वेट ट्रेनिंग का आविष्कार फ्रेडरिक यान ने किया था। और दोस्तों एक है प्रेशर ट्रेनिंग, उसकी आविष्कार किया था विंटर बॉटम ने, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ जैसे कि फार्टलेक प्रशिक्षण को गोस्टाव होमलर ने खोजा था, निरंतर प्रशिक्षण को अर्नेस्ट वॉन आकेन ने खोजा था, अंतराल प्रशिक्षण को गर्चलर विकिला ने खोजा था, सर्किट ट्रेनिंग को मॉर्गन एडम्सन ने खोजा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।